अस्सलाम वालेकुम नास्रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कि आप खोए की मिठाई घर में किस तरीके से बना सकते हो। खोए की मिठाई बनाने के लिए मैंने सबसे पहले इसमें लिया है आधा किलो के करीब खोया, आधा किलो के करीब मेरे पास ताज़ा खोया है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज का कप, आप इसके अंदर डालेंगे घी का। एक कप घी डालने के बाद हम इसके अंदर नंबर दो पे हम इसके अंदर चीनी का इस्तेमाल करेंगे। एक कप घी मैंने इसके अंदर शामिल किया है और एक कप ही मैंने इसके अंदर चीनी शामिल की है, और खोए की मिकदार मेरे पास आधा किलो के करीब है। अब जहाँ पे घी, चीनी और खोए को हम अच्छे तरीके से पका लेंगे और इन्हें यकजान कर लेंगे, लेकिन जहाँ पे आपने फ्लेम को लो रखना है, बहुत लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको पकाना है। बहुत हाई फ्लेम के ऊपर इसको ना पकाएं और ना ही मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको पकाएं, बहुत लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाएं। और आपने चम्मच जो है मुसलसल आपने हिलाते रहना है, चम्मच को आपने नहीं छोड़ना। अगर ये ज़रा सा भी नीचे लग गया तो उसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाएगा। कम से कम इसको 10 से 20 मिनट आपने अच्छे तरीके से आपने पकाना है कि खोया, घी और चीनी बिल्कुल आपस में यकजान हो जाने चाहिए। जितना अच्छा ये तीनों चीज़ें मिक्सअप होंगी, इतनी अच्छी आपकी मिठाई तैयार होगी। कम से कम 20 मिनट इसको आपने लो फ्लेम के ऊपर जब आपने इसको पकाया तो ये बिल्कुल इस तरह बन जाएगा जैसे कि आपको कैमरे में नज़र आ रहा है। घी, चीनी और जो खोया, ये बिल्कुल यकजान हो चुकी हैं तीनों चीज़ें, बिल्कुल एक लेई की शक्ल में बन चुकी हैं इस तरीके से कम आपने इसको 20 से 25 मिनट अच्छे तरीके से आपने इसको पकाना है। चम्मच को आपने नहीं छोड़ना और फ्लेम को आपने लो रखना है। ये बहुत अच्छे तरीके से यकजान हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, कढ़ाई को मैंने नीचे उतार लिया। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर डालूंगी एक बड़ा खाने का चम्मच इलायची पाउडर, सब्ज़ इलायची पाउडर डालेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करने के बाद हम सेकंड स्टेप के ऊपर चलते हैं। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में हम चार अदद अंडे लेंगे। चार अदद अंडे आपने लेने हैं, तो उसकी सफेदी आपने लेनी है, जर्दी आपने नहीं लेनी। जर्दी आप अलहदा कर दोगे। उसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे एक बड़ा खाने का चम्मच वनीला एसेंस। चार अंडों की सफेदी लेनी है आपने और उसके बाद आपने लेना है एक बड़ा खाने का चम्मच वनीला एसेंस। अंडे की सफेदी की महसूस स्मेल को खत्म करने के लिए हम वनीला एसेंस का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से बीट करना है। जब अंडे की सफेदी को अच्छे तरीके से आपने बीट कर लिया, तो इसको बीट करने के दौरान ही हम इसके अंदर जो खोया और चीनी वाला और घी वाला मटेरियल हमने तैयार किया था वो भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। जब आपने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से 15 से 20 मिनट मिक्सअप कर लिया, तो उसके बाद आप लोगे एक ट्रे और उसके ऊपर आप फैला लोगे बटर पेपर। आप बटर पेपर का ही इस्तेमाल करें। मेरे पास इस वक्त घर में बटर पेपर नहीं था, इसलिए मैंने कुकिंग ऑयल ब्रश की मदद से लगा लिया, लेकिन आप ब्रश की मदद से कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल ना करें, आप बटर पेपर का ही यूज़ करें। अब यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप बादाम, अखरोट, पिस्ता वगैरह इसके ऊपर, कोकोनट, किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इस्तेमाल कर लें। अब इसको कम से कम 5 घंटों के लिए आपने फ्रिज में रख देना है। पांच से 6 घंटों के बाद मैंने इसको निकाल लिया है और ये कुछ इस तरीके से मेरे पास बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसको पीसेस में काट लेंगे।
एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें कि आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।